अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सूफ़ी टेक टॉक। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सुफियान अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाईफाई हैक का बताऊंगा और लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए जो हमें चाहिए वो है काली लिनक्स और एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन टर्मिनल हेयर पे आ जाएंगे। यहाँ पर iwconfig की कमांड से हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड इस कौन से मोड में है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये मैनेज्ड मोड में है। मैं आपको बता दूं कि हमारे एक्चुअली दो मोड होते हैं, एक मैनेज्ड और एक मॉनिटर। मैनेज्ड मोड में हम एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जबकि मॉनिटर मोड में हम कोई भी पैकेट कैच कर सकते हैं। तो हमें इस लैब को करने के लिए मॉनिटर मोड चाहिए और मैं जो आज टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है एयर क्रैक सूट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेंगे, mkdir स्कैन के नाम का एक फोल्डर बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये फोल्डर यहाँ पे बन गया। तो उसके बाद एयरमो ng चेक किल की कमांड से हम ऐसे प्रोसेसेस को किल करेंगे जो हम इस लैब में हमें तंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो प्रोसेसेस किल हो चुके हैं। अब हम अपना मोड मैनेज से मॉनिटर में करेंगे। उसके लिए कमांड है एयरमो ng स्टार्ट wlan 0। iwconfig की कमांड से हम देख सकते हैं कि हमारा मोड अब कौन सा है। तो जैसे ये देखें हमारा मोड मॉनिटर है। तो चलें अब हम पैकेट कैच कर सकते हैं। पैकेट कैच करने के लिए जो कमांड है एरोडम ng wlan 0 mon। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक्सेस पॉइंट्स थे जो मुझे शो हो रहे हैं और सारे पैकेट्स इस वक्त कैच कर रहा है और ये वो स्टेशन हैं जो इन एक्सेस पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हैं। ये एक्सेस पॉइंट्स के मैक एड्रेस हैं और ये उनके नेम हैं जो हमें शो होते हैं और ये चैनल है जिसके ऊपर वर्क कर। कंट्रोल जेड की कमांड से फ़िलहाल हम पैकेट कैचिंग स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें सारों के नहीं चाहिए। जो हमारा टारगेट एपी होगा सिर्फ उसको हम टारगेट करेंगे और उसके पैकेट्स को कैच करेंगे। तो आज मैं टारगेट करूँगा सुफियान आईफोन को। ये मेरा अपना ही वाईफाई है जो मैंने इस वक्त ऑन किया हुआ है ताकि मैं इस पे आपको अटैक करके दिखा सकूं। तो ये इसका मैक एड्रेस है। यहाँ से हम राइट क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन, ये मैक एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम कमांड देंगे एरोडम -c और यहाँ पे जो चैनल है वो हम देख लेंगे। चैनल 1 पे ये काम कर रहा है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद -w, ये है कि जो हम हैश वैल्यू पकड़ेंगे वो हम कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। -w, तो मैं ये जो डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा है स्कैन, यहाँ पे एक फाइल सूफी के नाम से एक फाइल हो जिसमें मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, और -d लिख के और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हमारा मैक था और wlan 0 mode मॉनिटर करने के लिए। अभी हम इस कमांड को एंटर नहीं करते हैं, यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और एक और कमांड लिख लेते हैं एयर प्ले ng -0 0 -a पेस्ट सिलेक्शन, वही मैक जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और wlan 0 mode। ये कमांड हमारी क्या कर रही है, पैकेट्स को कैच करेगी, हर पैकेट जो इस एपी का है। और जो ये कमांड है वो डीऑथ करेगी, मतलब कि जो कनेक्टेड है इस वक्त इसके साथ वो सारे डिसकनेक्ट होंगे और वो फिर दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इसी टाइम में एक फोर वे हैंडशेक पैकेट शेयर होता है जो हम कैच करेंगे और उसमें से हम हैश वैल्यू निकालेंगे। तो चलें हम पैकेट कैच स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम
डीओथ भी उसको कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डीओथ के पैकेट सेंड करने लग गया है, और वो जो इसके साथ जो जो भी कनेक्टेड था वो डिसकनेक्ट हो गया। यहाँ पे इस वक्त एक ही शो हो रहा है जो इसके साथ कनेक्टेड था और वो डिसकनेक्ट हो गया। ये कॉन्स्टेंटली इसको डीओ के पैकेट भेज रहा है और फोर वे हैंडशेक, ये देखें हमने फोर वे हैंडशेक का पैकेट जो है कैच कर लिया। तो अब हम जो है ये दोनों प्रोसेसेस को स्टॉप कर देंगे, कंट्रोल जेड के थ्रू हम दोनों प्रोसेसेस को स्टॉप कर देते हैं। जो हमें चाहिए था फोर वे हैंडशेक वो हमें मिल गया। तो अब हम ग्राफिकली उसके अंदर जाके देख, ये टर्मिनल चाहे अब हम बंद कर देते हैं, ग्राफिकली इसके अंदर जाके देखते हैं। तो ये देखिए ये सारे पैकेट्स हैं जो उसने कैच किए हैं। इसमें जो डॉट कैप का इसने फाइल बनाई है, इसके अंदर हमारी हैश फाइल है जो कि पासवर्ड की है। तो इसको अब हम क्योंकि ये गार्बेज है हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसको अब हम जो सा है नॉर्मल ये वायर शार्क के थ्रू पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो भी हैश फाइल वैल्यू पढ़ी जा सकती है। हम इसको अब हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से कमांड है एयर क्रैक एनजी, और वो फाइल जो जिसमें हमारी हैश वैल्यू पड़ी हुई है वो स्कैन के फोल्डर के अंदर है, स्कैन बैक स्लैश, और इसमें फाइल का नाम था सूफी डॉट कैप। ये फाइल थी हमारी जिसमें वो हैश वैल्यू पड़ी हुई है, और माइनस डब्ल्यू की कमांड से हम वो फाइल देंगे जिसमें बहुत सारे पासवर्ड्स पड़े हैं, और ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हम इसका पासवर्ड निकाल सकें। तो हमारे कंप्यूटर में एक फाइल होती है जो बहुत सारे जिसमें डिक्शनरी वर्ड्स और कॉमन पासवर्ड्स पड़े होते हैं, जिसके थ्रू जो हम इस पर चेक कर सकते हैं कि अगर उस फाइल में इस किस्म का कोई पासवर्ड हुआ तो ये मुझे क्रैक कर देगा, वरना डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट टूल से मैं इसको क्रैक करने की कोशिश करूँगा। तो इसका जो पाथ है जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है वो है USR share DICT words। ये वो फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स हैं और इसमें से हम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस कमांड को हम एंटर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वो सारे पासवर्ड्स को चेक कर, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट नहीं होता है, वो एक्चुअल में हैश फॉर्म में होता है। जो इनक्रिप्शन है वो डिक्रिप्ट हो जाती है, लेकिन जो हैश है वो वन वे प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में जो कर रहा है, इसके पास बहुत सारे पासवर्ड्स प्रेजेंट हैं, वो जस्ट उसको मैच कर रहा है। जो पासवर्ड मैच हो जाएगा तो वो जो उनसे है हमें शो करवा देगा कि ये हमारा पासवर्ड था। अगर मैच नहीं होगा तो ये कॉन्स्टेंटली डिफरेंट स्टाइल से करता रहेगा, और हम फिर और टूल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बचा कैसे जाए, हमारा भी अगर घर में जो वाईफाई लगा हुआ है वो भी कोई क्रैक कर सकता है। तो उससे बचने के दो तरीके हैं। एक तो आप मैक बाउंड करें अपने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने हमें पासवर्ड बता दिया है, ये पासवर्ड था, तो हमने क्रैक कर लिया इजीली। अब मैं बताता चलूँ कि इससे बचने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम मैक बाउंड करें ताकि अगर किसी के पास पासवर्ड आ भी जाए तो वो लगा ना सके, मैक बाउंड हो, जिसके मैक एपी में ऐड हैं सिर्फ वही उसके साथ कनेक्ट हो, या अपना पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम वो मैच ही ना करें। ये दो ही हल हैं इसे बचने के लिए। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो होगा तो आप चाहे मैं, हो सकता है ये जो अभी मेरा पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो इसने जल्दी मुझे क्रैक करके दे दिया है। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो हो सकता है कि मैं, मुझे ये क्रैक करने में साल लग जाए या दो साल लग जाए। तो मेरी टिप आपको यही है कि एक तो मैक बाउंड करें और दूसरा पासवर्ड आप जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं वो रखें। चलें गाइस आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।